ग्रामीण ओलंपिक खेलों के मध्य अंतिम दिन समर्थकों, खिलाड़ियों और दर्शकों के बीच कहासुनी खींचतान के बाद मामला बिगड़ता गया और लाठी बाटा जंग तक पहुंच गया, जहां पुलिस की लाठियां भांचने के बाद भीड़ को तितर बितर कर मामला शांत किया और मैच सुचारू शुरू करवाया। झगड़े में कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना मिली है, लेकिन डिप्टी करण सिंह का कहना है किसी को कोई चोट नहीं आई। जानकारी के अनुसार फूलिया कला थाना क्षेत्र के अरवड़ में चल रहे ग्रामीण ओलंपिक खेलों के मध्य सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जा रहे थे, जिसमें रेफरी के निर्णय से असंतुष्ट होकर दो टीमों के समर्थकों के बीच आपस में कहासुनी और बाद में धक्का मुक्की, मारपीट, लाठी बाटा जंग तक जा पहुंची, जहां दो टीमों के समर्थकों के बीच कुर्सियां, पांडाल के पाइप, पत्थर से आपस में मारपीट हुई और तकरीबन 20 मिनट तक माहौल गरमाया हुआ था। माहौल गरमाता देख मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर फूलिया कला पुलिस और डिप्टी कर्ण सिंह जाप्ता सहित मौके पर पहुंचे और लाठियां भांजने लगे, जिससे भीड़ तितर बितर हो गई तथा दर्शकों को शांत करवाया। हमारी टीम है, कल भी एक रेफरी ने तीन मैच हो गए मुंबई के खिलाफ खेलते के खिलाफ गलत निर्णय दिया और हमारे मैच में भी गलत निर्णय दिया जा रहा है। और अभी हमें सुबह से तीन घंटे हो गए, हमारे को सुबह से हम धूप में तप रहे हैं और हमारा कोई निर्णय मैच को आधे आदमी रोक कर उनको विन दे दिया, विनर कर दिया उनको। हम यहाँ पर खिलाड़ी हैं, अभी आप निर्णय लो, सुबह से हम तप रहे हैं।